हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जैसे आप यूजीसी नेट की बात करते हैं, या फिर आप केवीएस की बात करते हैं, या यूपीपीआरटी, यानी कॉमन एग्जाम। आज हम तैयारी करेंगे बिल्कुल कॉमन कंप्यूटर अवेयरनेस की, ठीक है, जिसे हम आईसीटी के नाम से जानते हैं, यूजीसी नेट में। ठीक है, आज हम सारी बेसिक बातें करेंगे, कंप्यूटर्स की बेसिक बातें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो वर्ड है ये कहां से आया? कंप्यूटर का मतलब होता है विच कंप्यूट, विच कंप्यूट, जो कि गणना कर सके। ऐसा कोई डिवाइस जो गणना कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, कंप्यूटर का जो बेसिक फॉर्म है, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पे वर्क करता है। तो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है 01, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी क्यों? क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि बाइनरी क्यों, बाइनरी का यूज क्या है, क्यों यूज करता है कंप्यूटर। उसके लिए आप इसको समझिए कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो किससे बनते हैं बच्चे? सर्किट से। सर्किट या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। ऑन को हम कंसिडर करते हैं 1 और ऑफ को करते हैं 0। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर सारी बातें सर्किट के फॉर्म में स्टोर की जाती हैं। सर्किट या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। दैट्स वाई 01 कंप्यूटर किस पे काम करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पर। अब मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूं कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट। मान लीजिए हमने लिखा 34, और 34 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं। पहला तो मैं लिखा 34, 34 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और ये वैल्यू है डेसिमल, जहां पर ये बेस है बच्चे। देखो ये बेस है 10, ये हमारा बेस है डेसिमल, और यहां पे बेस क्या है हमारा? बाइनरी। अब 34 10 है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी डेसिमल वैल्यू को जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है, 10 को 2 में करना है, तो आप यहां पे 2 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर शेष यहां पे लिखिए। डिवाइड करते हैं, 2 1 2 7, 0, रिमाइंडर 1, 2 8 16, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0। यहां पे आगे जाएगा नहीं बच्चे, यहां से आप सीधे ऊपर आ जाओ, राइट साइड 1 0 0 0 1 0, 1 0 0 0 1 0, ये हमारा बाइनरी फॉर्म है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीके हम बात करते हैं, एक सीरीज है बच्चे, वो याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2, आपको डबल करना है। आपको क्या करना है? डबल करना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और 32 का 64, और 64 का 128, एंड कंटिन्यू। एक्चुअली बच्चे ये बिट्स की वैल्यू है। अब मैंने पूछा है 34, एक तरीका मैंने आपको बताया, दो से दो में कन्वर्ट करना है, दो से डिवाइड किया। अब दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं, ये सीरीज आपको याद होगी होगी, ऑलरेडी डबल करना है। अब 34 आप चेक करेंगे कि 34 कहां पर है, अगर डायरेक्ट नंबर है तो ठीक है, या फिर वो किन किन नंबर का कॉम्बिनेशन से क्रिएट हो रहा है। अब 34 भी लिखा है मैंने, तो 32 प्लस 2, ये हमारा क्या हुआ? 34, यानी 32 प्लस 2 इक्वल टू 34। अब जिस नंबर से हमारा नंबर क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, वहां पे हमें ऑन करना है, उस बिट को ऑन। ऑन करने के लिए क्या था? 1, तो हमें वहां 1 लिखना है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन पे
हमें जीरो पुट करना है। तो आंसर समझ आया बच्चे? देखिए ये आंसर इस शॉर्टकट से भी आया और ये आंसर ऐसे भी आया, तो चाहे आप ये मेथड फॉलो करें चाहे ये मेथड फॉलो करें। तो ये हमारा हो गया एक डेसिमल नंबर, कोई भी डिजिट आपको डेसिमल नंबर देता है उसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहां पे, इसको पूरा रब कर देते हैं, अब इसका रिवर्स भी देखते हैं हम। मान लीजिए ये नंबर है 10010, ये नंबर है जिसका बेस हमारा 2 है, इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल फॉर्म में जिसका बेस 10 होता है। अब मैंने कहा था आपको इस सीरीज याद होनी चाहिए 1, 2, 4, 8, 16 और 32 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर में राइट साइड से ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है बच्चे, यहां पे लिखना है अगर 0 है तो सीरीज नहीं लिखनी है और अगर 1 है तो लिखना है। जैसे पहले यहां पे 0 है और पहले बिट की वैल्यू होती है 1, तो हमें नहीं लिखना 1, 2, 4, 8, 16 1, 2, 4, 8, 16 तो 1 नहीं लिखना बिकॉज यहां पे 0 है। सेकंड है 2, तो 2 लिखना है यहां पे बिकॉज यहां पे 1 है। अगेन थर्ड पे पोजीशन पे क्या है 4, यहां पे थर्ड पे क्या है 0, तो सब पुट नहीं करना। फिर क्या है 8, फिर यहां पे क्या आएगा 16, 1, 2, 4, 8, 16 यही नंबर है लेकिन 0 है तो हमें लिखना नहीं है। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, 16 + 2 = 18, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जैसे हम एक और आंसर ले लेते हैं बच्चे, जैसे कि 1000001। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है हमें तो देखिए पहला क्या है 1, फिर है 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और ये 64। ठीक है, अब इसके बाद 64 आएगा, अब ये 64 और 1 प्लस कर दीजिए, ये होगा आपका 65 ये आंसर। ये दो एग्जांपल है, तो आई होप कि आपको समझ आएगा कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है। क्लियर, आगे चलते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहां पे, अबेकस, सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चे अबेकस। अबेकस क्या है? अबेकस हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि चाइना में डेवलप हुआ था 2600 बिफोर क्राइस्ट बीसी में। थोड़ा सा हम बेसिक की बात करेंगे फिर आगे नेटवर्किंग और थोड़ा डेटाबेस का। अबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कहां डेवलप हुआ, चाइना में 2600 बीसी में। देन अगेन पंच कार्ड, आज हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के दौर में अगर हम बात करें जब फर्स्ट जनरेशन होता था 1940 और 50 के आसपास, उस केस में ना हमारे पास बच्चे मॉनिटर हुआ करता था, प्रिंटर हुआ करता था, ना ही हमारे पास कीबोर्ड हुआ करता था। तो उस वक्त हम इनपुट और आउटपुट पंच कार्ड के फॉर्म में इनपुट देते थे और पंच कार्ड के फॉर्म में ही आउटपुट लेते थे। तो पंच कार्ड हमारे एज इनपुट डिवाइस भी थे बच्चे और आउटपुट थे, दोनों थे। इसका इन्वेंटर बहुत फेमस है, इसको इन्वेंट किया था हरमन हॉलीरिथ ने, हरमन हॉलीरिथ पंच कार्ड के इन्वेंटर। सेकंड, फादर ऑफ कंप्यूटर एवरी वेल ये वेल नोन पर्सन है चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं।
हाँ, लेकिन बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाई हुआ आज की डेट में। क्वेश्चन ये आया कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस, आंसर क्या होगा बच्चे? एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने क्या बनाई? ट्यूरिंग मशीन। सेकंड, आज जितनी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं सारे हमारे डिजिटल हैं, पहले क्या थे बच्चे? मैकेनिकल थे। तो क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। आंसर होगा बच्चे, आपको इसमें दो नाम याद रखने हैं बच्चे, एक नाम याद रखना है एबीसी और दूसरा नाम याद रखना है बच्चे आपको इनियक। एबीसी की फुल फॉर्म एटेनोस ऑफ बैरी कंप्यूटर, और दूसरा है इनियक इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एक्चुअली बच्चे इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि एटेनोसॉफ एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनके स्टूडेंट बैरी, फिजिक्स के प्रोफेसर और स्टूडेंट बैरी ने मिलकर के एक यूनिवर्सिटी के लैब में एक लाइव मॉडल बनाया और अपने नाम के अकॉर्डिंग रखा है एबीसी, एटेनोसॉफ बैरी कंप्यूटर। सिंपल एक मॉडल था ये, लेकिन जो एक जनरल पर्पज कंप्यूटर आया, देखिए वर्ड याद है डिजिटल जनरल पर्पज, वो था हमारा इनियक। तो लोग इनियक को जानते हैं, एबीसी को नहीं जानते। हाँ, अगर एग्जाम में एबीसी और इनियक दोनों आते हैं देन यू विल टेक फर्स्ट ऑन एबीसी नॉट इनियक। हाँ, पर अगर एबीसी नहीं है तब आप इनियक पे जा सकते हैं। क्लियर? ओके, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स आए थे। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किसने किया? ट्रांजिस्टर्स ने। और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किसने किया बच्चे? आईसी। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी को रिप्लेस किसने किया? माइक्रो प्रोसेसर। ये जनरेशन है बच्चे, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन में आए, ये सेकंड जनरेशन में बच्चे, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ। देखिए यहां पे इन्वेंटर फेमस है आईसी का। आईसी को बनाया किसने? जैक किल्बे। और माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एलएसआई, एमएसआई और वीएलएसआई को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ध्यान समझिए इसको, एज ए प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े होते थे, बल्की होते थे बच्चे, हैवी होते थे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद उसकी जगह रिप्लेस किया हमने ट्रांजिस्टर्स को, और ट्रांजिस्टर्स इकट्ठे होकर के, ट्रांजिस्टर्स को क्वेश्चन आया एग्जाम में कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को हम एक यूनिट में कंबाइंड कर दें तो क्या बन जाएगा, तो बनता है हमारा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ऐसे ही बच्चे 1000 आईसी को हम एक सिलिकॉन चिप, देखो बच्चे माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक चिप होती है, वो होती है सिलिकॉन चिप। 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट को एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर इकट्ठा करना, उसे बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे बच्चे मैंने 50,000 आईसी, 50,000 आईसी को इकट्ठा कर दिया तो हमारा बना ये एलएसआई थे बच्चे, और फिर बनेगा एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। 1 लाख आईसीज, 1 लाख आईसी को एक सिलिकॉन चिप पर लगाना तो क्या बनेगा बच्चे? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट।
तो बच्चे LSI, MSI, VLSI को हम कॉमन फॉर्म में क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली बनते किससे हैं, सिलिकॉन चिप से। इसीलिए बच्चे कहते हैं कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग हुई वो अमेरिका से हुई, ठीक है। सिलिकॉन वैली कहाँ है, अमेरिका में है, लेकिन भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है, बैंगलोर, ठीक। तो और क्वेश्चन ये भी आया बच्चे कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन की इन्वेंशन है, तो आप क्या टिक करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर कौन जनरेशन की है, फोर्थ जनरेशन की। आज हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चे, आज हम हैं फिफ्थ जनरेशन में, आज हमारा फिफ्थ जनरेशन है और वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट। रोबोट इसमें आते हैं बच्चे, आपने सोफिया का नाम सुना होगा, तो सोफिया एक रोबोट है हमारा जिसको सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है बच्चे। तो बेसिकली वो किसमें आते हैं, AI। तो आज हम किस जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में। टोटल कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, 5 जनरेशन, क्लियर। अब हम सीपीयू को समझते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के दो कंपोनेंट होते हैं बच्चे, एक होता है CU और एक होता है हमारा ALU। CU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, और ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इनका लिंक किससे होता है बच्चे, सीधे MU से। MU मतलब मेमोरी यूनिट, मतलब रैम। ध्यान से समझना बच्चे इस चीज को, क्योंकि अब हम CPU की बात कर रहे हैं और CPU को ही हम क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेन या हार्ट ऑफ द सिस्टम, आंसर क्या होगा हमारा, CPU। और दूसरा अगर हम बात करें यहां पे सोल ऑफ सिस्टम, सिस्टम की सोल क्या है बच्चे, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU का लिंक होता है आपका MU से, मतलब रैम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखिए, स्क्रीन पर जो भी कुछ डिस्प्ले हो रहा है बच्चे, स्क्रीन पर जो भी कुछ डिस्प्ले हो रहा है, आप मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, रिज्यूमे बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, स्क्रीन मतलब रैम। रैम है तो डिस्प्ले है, रैम नहीं है तो डिस्प्ले नहीं होगा। इसीलिए बच्चे रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, लाइट है तो स्क्रीन है, लाइट नहीं है तो स्क्रीन गायब हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन पर या रैम में मैंने लिखा 2 + 5 कितना होता है, आंसर आएगा आपका 7। और 2 और 5 में से कौन सा ग्रेटर है, 5। तो जो ग्रेटर है, लेस है, वो है लॉजिकल डिसीज, लॉजिकल कैलकुलेशन। और 2 + 5 जहां पे फिक्स वैल्यू आती है वो है हमारा अर्थमैटिक, वो हमारा क्या बच्चे, अर्थमैटिक। तो जो अर्थमैटिक कैलकुलेशन है, 2 + 5 हम देंगे यहां पे, ये रिप्लाई करेगा A, और 5 और 2 में से छोटा बड़ा कौन है, ग्रेटर स्मॉल, तो रिप्लाई करेगा L, लॉजिकल पार्ट। तो अर्थमैटिक, बच्चे गलती से यहां पे AL मत लगाना, अर्थमैटिकल लॉजिकल, वो गलत हो जाएगा आपका। एक्चुअल ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में कि ALU की फुल फॉर्म, आंसर क्या होगा, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, ना कि अर्थमैटिकल लॉजिकल यूनिट। तो अब पूरी कंट्रोलिंग, पूरा काम कौन कर रहा है, ALU, किसकी गाइडेंस में, कंट्रोल यूनिट की गाइडेंस में। तो CPU के दो पार्ट, CU, ALU, काम कौन कर रहा है, ALU, कंट्रोल कौन कर रहा है सारा काम, CU, और CU प्लस ALU दोनों पार्ट मिलके क्या बनते हैं, CPU, सेंट्रल, जिसे आप सिंपल फॉर्म में क्या कहते हो, प्रोसेसर कहते हो। और किससे लिंक होता है इनका, मेमोरी यूनिट से, मेमोरी मतलब रैम से लिंक होता है, ठीक है। और CPU की स्पीड, एक क्वेश्चन आता है बच्चे हमारा, ठीक है, प्रोसेसर, प्रोसेसर की स्पीड बताइए, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बताइए, वो होती है आपकी गीगा हर्ट्ज। पहले क्या होती थी बच्चे, मेगा हर्ट्ज, और ये गीगा जो हर्ट्ज है इसे कहते हैं बिप्स, बिलियन इंस्ट्रक्शंस
पर सेकंड, और मेगाहर्ट्ज मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड मिप्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोप्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो माइक्रोप्रोसेसर के इन्वेंटर का नाम बताइए। माइक्रो प्रोसेसर आर इन्वेंटेड बाय मार्शियन ई हफ, मार्शियन ई हफ। तो माइक्रोप्रोसेसर बनाया किसने? मार्शियन ई हफ ने। इट्स ऑल अबाउट बेसिक थिंग अबाउट सीपीयू, यानी प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चे, थोड़ा सा हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए सुपर कंप्यूटर होते क्या है, काम क्या होता है, पर्पस क्या है। एक्चुअल में जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, 01 पे काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो कौन से कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? फर्दर चार पार्ट में, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और हमारा सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो सबसे छोटा, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे सुपर। और ये जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा है बच्चे, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, ये ऑन द बेसिस ऑफ किस आधार पर लिखा हमने? स्पीड पर, साइज पर एंड कैपेसिटी पर। स्पीड, साइज एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को फर्दर चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा लैपटॉप है, मिनी लैपटॉप है, नोटबुक है या फोन है, वो सब उसमें माइक्रो में आता है। आज हम घरों में या बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है बच्चे, ऑफिस में मिनी यूज करते हैं। और इसे बैंक हो गया, बैंक सेक्टर हो गया, रेलवे हो गया, तो किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सर्वर, जैसे टिकट बुक करते हैं ना आप लोग, टिकट बुक करते हैं तो बच्चे आपने देखा सर्वर होगा आपका, रेलवे में आपका सर्वर है, बैंक में जो सर्वर से जुड़ते हैं आप, ठीक है, तभी आपकी ट्रांजेक्शन होती है। आप जाते हैं ना बैंक में, कहते हैं बच्चे, तो कहता है कि सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है, अभी टाइम लग रहा है। तो सर्वर पे जो सर्वर के लिए जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है, सर्वर के लिए जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है, उस कंप्यूटर को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? मेन फ्रेम। और दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल, जो एक्सट्रीमली बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बहुत बड़े बड़े टास्क, वो एक पर्टिकुलर टास्क को मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड उसमें कर देते हैं, वो है हमारे सुपर। तो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज सुपर कंप्यूटर। जैसे बच्चे कुछ बातें और बताता हूं मैं आपको, कि भारत का, भारत में निर्मित, भारत का खुद का अपना बनाया हुआ कंप्यूटर है सिद्धार्थ। भारत का अपना खुद का बनाया कंप्यूटर क्या है? सिद्धार्थ। जैसे दुनिया का पहला कंप्यूटर था ENIAC ABC, ऐसे भारत का खुद का निर्मित कंप्यूटर है सिद्धार्थ। और अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो अभी हम दो बात करेंगे बच्चे, पहले हम बात करेंगे भारत की और फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल की। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है, उसका नाम था परम 8000, जो कि सीडेक कंपनी है बच्चे, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेड ऑफिस कहां है? पुणे में है। सीडेक मल्टीपल ब्रांचेस हैं आपकी पूरे वर्ल्ड इंडिया में हमारे, तो सीडेक सेमी गवर्नमेंट संस्था है, जो पुणे में सीडेक का हेड ऑफिस है, उसने ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 डेवलप किया। लेकिन आज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर
इंडिया का, भारत का, वो है आपका प्रत्युष, प्रत्युष एंड मिहिर। एक्चुअली बच्चे प्रोजेक्ट एक है, लोकेशन दो है। प्रत्युष हमारा पुणे में स्टैब्लिश है और ग्रेटर नोएडा में हमारा मिहिर है। प्रत्युष पुणे में है और मिहिर ग्रेटर नोएडा में है, ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो भारत का सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट, जो सबसे तेज है भारत का अपना, प्रत्युष है एंड मिहिर है, ठीक है। अब सेकेंड, वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारा उनका नाम है क्रे वन, जो कि सैमुअर क्रे ने बनाया था बच्चे, सैमुअर क्रे। और फास्टेस्ट की बात करें बच्चे, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर तो वर्ल्ड के नंबर वन पर आता है हमारा फर्स्ट समिट, समिट बाय यूएसए, अमेरिका का। और अमेरिका ने बीट किसको किया? चाइना को। सेकंड नंबर पे हमारा सनवे टाया हु लाइट बाय चाइना। ये थे हमारे सुपर कंप्यूटर की बातें बच्चे, इंडिया का पहला, वर्ल्ड का पहला, इंडिया का फास्टेस्ट, वर्ल्ड का फास्टेस्ट, ठीक। अभी क्वेश्चन है बच्चे, जैसे कुछ इनपुट डिवाइस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस हैं। अगर यहां इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो जैसे हम पहले बात करते हैं, जो फेमस क्वेश्चन आता है हमारा इनपुट डिवाइस में, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है हमारा, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। स्टैंडर्ड इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस बच्चे, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस स्टैंडर्ड है हमारा माउस है। तो थोड़ा सा हम कीबोर्ड और माउस के बारे में समझते हैं। तो इनपुट डिवाइस में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे, इनपुट डिवाइसेस में स्टैंडर्ड हमारा क्या है, कीबोर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है कीबोर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा माउस। ऐसे बच्चे हमारा जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, ठीक है, स्कैनर है, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, बीसीआर। ये तो ओसीआर के फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर। देखो बच्चे वैसे तो होता है रिकॉग्निशन, लेकिन कई जगह है बच्चे एक एग्जाम में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा रीडर। तो ओसी और रिकॉग्निशन भी ठीक है और रीडर भी ठीक है। ऑप्टिकल मार्क, रिकॉग्निशन एंड रीडर सेम। मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड रीडर। और बीसीआर, बार कोड रीडर। या तो बच्चे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछेगा बच्चे, एमआईसीआर, बीसीआर। जैसे ओसीआर क्या करता है बच्चे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है बच्चे, ये एक एक कैरेक्टर को स्कैन करेगा बच्चे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये स्कैन करेगा, ठीक है। ओएमआर, आपने बताया गोले नहीं बने सर्कल बच्चे, ओएमआर शीट आती है ए बी सी डी, आप ऐसे बी ठीक है तो आप कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, वो कौन रीड करेगा बच्चे, ओएमआर। एमआईसीआर इसका यूज कहां होता है हमारा, चेक्स के अंदर। और ये कितने डिजिट का होता है, 9 डिजिट का। आपने देखा चेक, चेक होता है, चेक के नीचे चेक नंबर होता है, चेक नंबर के बाद डबल कॉमास में आपके 9 डिजिट मिलते हैं, तो वो कोड एमआईसीआर कोड है। आप खुद देखिएगा, तो जो
चेक नंबर के बाद डबल कॉमाज में जो 9 डिजिट मिलेंगे उसमें 3+3+3 9 हो गए। तो पहले 3 जो कोड हैं वो दिखाते हैं सिटी का कोड, और अगले 3 बच्चे बैंक का कोड, और अगले लास्ट के 3 हमारे ब्रांच का। तो सिटी बैंक ब्रांच कोड कुल मिला के हो गया आपके 9 डिजिट, दैट्स कोड इज कॉल्ड MICR। BCR तो आपने देखा ही होगा बच्चे, BCR इस तरह की लाइनें होती हैं, बार लाइनें होती हैं, 8, 9 समथिंग इस तरह से कोड होता है, और ये 13 डिजिट का होता है। तो इस ऑल अबाउट किसके क्या है हमारे बच्चे, ये आपका इनपुट डिवाइस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो बहुत फेमस है माउस। माउस को किसने बनाया? आंसर होगा डगलस एंजल बर्ट ने माउस बनाया था। और हम लोग कौन सा माउस कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं? क्वार्टी। किसी भी कीबोर्ड में अल्फाबेट्स के जो पहले 6 बटन होते हैं, अल्फाबेट्स के पहले 6 बटन होते हैं, वो उस कीबोर्ड का नेम होते हैं, ठीक है? तो वो है क्वार्टी, और ये हमारा, और कीबोर्ड को बनाने वाले का नाम, पर्सन का नाम था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, ठीक है? कीबोर्ड में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मॉडिफायर की क्या होती हैं, और दूसरा हमारा टोगल कीज क्या होती है। की तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन टोगल कीज और मॉडिफायर कीज। एक्चुअली मॉडिफायर का मतलब क्या होता है? मॉडिफायर का मतलब होता है कि जो किसी को मॉडिफाई कर दे। मान लीजिए कि कोई पर्सन है बहुत उसको इसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है जो उसको मॉडिफाई कर दे। तो मॉडिफायर कौन है? जो उसकी लाइफ में आया पर्सन। ऐसे बच्चे कुछ कीज होती हैं कीबोर्ड में कि जो अकेले यूज नहीं होती, जिसके साथ जुड़ जाए उसके काम को मॉडिफाई करते हैं। जैसे ए है, अगर हम ए प्रेस करते हैं तो ए प्रिंट होता है, लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करें तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। यानी कि ए की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किसने किया? कंट्रोल ने। तो कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, और शिफ्ट हो गया, और विंडो बटन, ये अकेले यूज ना हो करके जिसके साथ जुड़ जाए उसके काम को मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसीलिए दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं? मॉडिफायर की। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, विन। अब टोगल का मतलब होता है बच्चे 2 स्टेज में टोगल करना है, या तो बच्चे एक बार ऑन हो गया, एक बार ऑफ, यानी सफल करना, ये तो ऑन ऑफ। तो एक बार प्रेस किया तो वो ऑन हो गया, दोबारा प्रेस किया तो वो ऑफ हो गया। तो ऐसी की जो एक बार प्रेस किया तो ऑन हो जाए, दोबारा तो ऑफ, वो क्या है हमारी? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब की कौन सी बच्चे? टोगल की है, ठीक है? अब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में जो मेन आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा मॉनिटर, सेकंड है हमारा प्रिंटर, फिर प्रोजेक्टर, प्लॉटर और स्पीकर। मॉनिटर के बारे में एक बात याद रखिएगा बच्चे, जब भी मॉनिटर है, ये स्क्रीन है मॉनिटर की, इस स्क्रीन को मेजर जो किया जाता है वो डायगनली। मान लो 36 इंच का टीवी है हमारे पास, या टीवी है, मॉनिटर है, तो 36 इंच डायगनली मेजर होता है बच्चे, ना कि लेंथ इस तरह से, हाइट से। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब प्रिंटर के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बच्चे? प्रिंटर के 2 कैटेगरी है, एक है हमारा इंपैक्ट और दूसरा है हमारा नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में क्या आता है बच्चे? DMP मेन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा नॉन इंपैक्ट में आपका आता है बच्चे थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इसमें बच्चे और भी हैं बच्चे, डेजी व्हील, चैन,
बेल्ट, ड्रम, लेकिन हमें मेन फोकस रखना है डीएमपी पे। आखिर ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता क्या है, इसको समझो। इम्पैक्ट, आपने टाइपिंग मशीन देखी होगी, टाइपिंग में जब हम ए का बटन प्रेस करते हैं तो ए का हैमर स्ट्राइक करता है, रिबन होता है बच्चे, आप देखा होगा, आपने देखा होगा कि आप एफिडेविट बनवाते हैं कहीं जाते हैं टाइपिंग मशीन, तो जो ए का हैमर स्ट्राइक कर रहा है ए का और रिबन होती है तो एक इम्पैक्ट दे रहा है बच्चे, जहां प्रेशर के साथ छपता है, मैकेनिकल प्रेशर, जहां पे दबाव हो, उस कैटेगरी को कहते हैं इम्पैक्ट। जैसे आप रेलवे से खिड़की, रेलवे का टिकट लेते हैं, खिड़की से टिकट लेते हैं, तो एक इस तरह का आपका टिकट मिलती है बच्चे, वहां पे रोल्स होते हैं इस तरह, देखें आपने, ठीक है। बैंक में जाते हैं तो वहां पे अगर लखनऊ भी लिखा है बच्चे, तो लखनऊ ऐसे लिखा होगा डॉट 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 करके, तो जो पिन होती है, पिंस होती है बच्चे, वो हैमर की तरह स्ट्राइक करती हैं, तो वो आपका डीएमपी है, बिकॉज वो क्या है, इम्पैक्ट है। और जहां पे इंक का फ्लो हो रहा है, जैसे मार्कर से लिख रहा हूं, मार्कर से मैं सिर्फ टच करके लिख रहा हूं, इंक का फ्लो हो रहा है, तो ये आएगा नॉन इम्पैक्ट, जो ये टकराना इम्पैक्ट, और अगर वैसे लिखना टच करके बच्चे, तो वो नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। अब थर्मल है, अब फर्क क्या है तीनों में, थर्मल में जहां पे केमिकल का यूज किया जाता है और प्लस हीट होती है उसे थर्मल प्रिंटर कहते हैं, और जहां पे लिक्विड इंक होती है जिसे आप कार्टेज कहते हैं, गीली इंक, और जहां पे टोनर होता है, ड्राई इंक होती है पाउडर, वह है लेजर। तो ये हमारी कैटेगरी किसकी है, नॉन इंपैक्ट की, ये कैटेगरी किसकी है, इंपैक्ट की। सबसे मैक्सिमम क्या होता है, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है बच्चे कि प्रिंटर की स्पीड बताइए, बच्चे प्रिंटर की स्पीड मेजर्ड इन, किसमें मेजर की जाती है, ठीक है। और दूसरा यहां पे क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ प्रिंटर मेजर्ड इन। इसके लिए बहुत आसान है बच्चे, आप कभी भूलेंगे नहीं, देखो क्या करना है आपको। प्रिंटर मेनली तीन तरह के होते हैं, एक होता है जो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करता है बच्चे, जो प्रिंटर करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट कर रहा है, वन बाय करेक्टर, वन टू करेक्टर, तो उसे हम कहेंगे करेक्टर प्रिंटर। तो ये टाइप्स है बच्चे, जनरली वैसे ब्रॉड वे में बात करें। और जो प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर। और जो प्रिंटर पेज बाय पेज प्रिंट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, पेज प्रिंटर। तो जैसे डीएमपी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करता है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, करेक्टर प्रिंटर। इंकजेट, ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है बच्चे, मेन फोकस का लाइन पे होता है, तो ये लाइन प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर, ये पेज बाय पेज प्रिंट करता है, तो पेज प्रिंटर। तो तीन तरह के प्रिंटर, ये तो कैरेक्टर प्रिंटर होगा बच्चे, ये तो लाइन प्रिंटर होगा, ये तो पेज प्रिंटर होगा। तो जैसा प्रिंटर, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे लाइन हो, चाहे पेज हो, और वैसे ही उसकी स्पीड, कैसे, अगर वो लेजर प्रिंटर है जो कि पेज बाय पेज प्रिंट करता है, और इसकी स्पीड अगर नापनी हो, मेजर करनी हो, तो वो पीपीएम, यानी कि पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज कर रहा है वो लेजर प्रिंटर या पेज प्रिंटर। अगर वो लाइन प्रिंटर है या इंकजेट, इंकजेट इज एग्जांपल ऑफ लाइन प्रिंटर, तो उसको हम देखेंगे कि वो एक मिनट में कितनी लाइन कर रहा है, तो लाइन पर मिनट। ऐसे बच्चे अगर वो करेक्टर प्रिंटर हो, यानी डीएमपी हो या करेक्टर प्रिंटर हो, तो उसको हम देखेंगे करेक्टर पर सेकंड। हाँ, ये याद रखने वाली बात है बच्चे कि जो पेज है तो वो मिनट में काउंट होता है, लाइन भी मिनट में काउंट होता है, और करेक्टर भी हमारा मिनट में काउंट होता है, तो करेक्टर पर, सॉरी, करेक्टर हमारा सेकंड में काउंट होता है, करेक्टर सेकंड में, पेज मिनट में, लाइन मिनट में, लेकिन करेक्टर बहुत स्मॉल यूनिट है, तो ये सेकंड में काउंट होती है, तो स्टैंडर्ड। लेकिन एग्जाम में अगर तीनों आता है तो ऑल ऑफ अबव, लेकिन एक की अगर बात करता है तो वो आपको जरूर क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड पीपीएम। तो मेन फोकस किस पर रखना है, पीपीएम, वन ऑल ऑफ दिस। और लास्ट अगर हम बात करें यहां पे क्वालिटी या रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, क्वालिटी या रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, तो आंसर होगा, एक होता है डीपीआई, एक होता है डीपीएस, डॉट्स पर इंच, और क्या होगा, डॉट्स पर स्क्वायर इंच। देख बच्चे होता क्या है कि एक इंच के एरिया में अगर डॉट ज्यादा छपाई हो रही है, प्रिंट हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो डॉट्स पर इंच, और उसे हम स्क्वायर भी मान लेते हैं बच्चे,
क्योंकि पिक्स जो आपके डॉट्स है वर्टिकली काउंट होते हैं, हॉरिजॉन्टली तो स्क्वायर भी मान लेते हैं या एक इंच मान लें, तो दोनों यूनिट ठीक है। डीपीआई डॉट्स पर इंच भी ठीक है, डॉट्स पर स्क्वायर इंच भी ठीक है। जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी प्रिंटिंग अच्छी होगी, कम एरिया में ज्यादा डॉट्स। तो स्टैंडर्ड अगर पिक करना है, एक पे आंसर देना है, तो आंसर क्या आप चूज करेंगे? डीपीआई। डीपीएस नहीं यूज करेंगे, दोनों हो तो ठीक है, वरना एक चूज करना हो तो आंसर क्या होगा? डीपीआई, डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने बात की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जनरेशन के बारे में, कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में, कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे डीपीआई डीपीएस क्या होता है, पीपीएम क्या होता है। ठीक है, तो और हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।